दोस्तों, मैं आज जैसे एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने तमाम ट्वीट्स पढ़े और मुझे ये पता चला कि भारत में किसी एक लड़की ने एक प्लेन के अंदर तमाम गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैशिस्ट गवर्नमेंट करके नारे लगाए। और उसके बाद जितना भी एक इकोसिस्टम है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस, जर्नलिस्ट और तरह तरह के इंटेलेक्चुअल्स और अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, ऐसे जैसे कि ये गवर्नमेंट लोगों को पकड़ पकड़ के जेल के अंदर भर रही है क्योंकि वो उसकी बुराई करते हैं। अब इसमें कितना सत्य है ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, विश्व के कौन से देश में आप किसी प्लेन के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर किसी के भी खिलाफ नारे लगा सकते हैं? क्या आप ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर कीर्तन कर सकते हैं? क्या आप वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के नमाज़ पढ़ सकते हैं? क्या आप वहाँ खड़े होकर अब्राहम लिंकन या गांधी के बारे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो क्या फ़र्क पड़ता है उसने क्या बोला क्या नहीं बोला? लेकिन अगर एक लड़की या एक लड़का, कोई भी व्यक्ति अगर खड़े होकर चिल्ला रहा है एयरक्राफ्ट के अंदर, तो आप सोचिए इससे कितनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट खड़ी होती है। अगर बाकी लोग पैनिक कर जाएं, अगर स्टैम्पीड हो जाए, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये लोग अपने आप को लिबरल बोलते हैं, ये लोग अपने को प्रोग्रेसिव और मॉडर्न बोलते हैं। ये किस तरह के प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये किस तरह के लिबरल लोग हैं जो कि हर समय इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं? ये कौन से लोग हैं जो हर समय स्टोन पेल्टर्स, टेररिस्ट, नेक्सल्स, अर्बन नेक्सल्स, और वो लोग जो सरकार की प्रॉपर्टी जलाते हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं, बसें जलाते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं? इसके बारे में सोचने का टाइम आ गया है कि हम किस तरह की सोसाइटी बनना चाहते हैं। हम लोग वाकई में एक पढ़ी लिखी सिविल, प्रोग्रेसिव, लिबरल, इंक्लूसिव सोसाइटी बनना चाहते हैं जिसके हर एक एलिमेंट्स आप देखिए तो आपको इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आज भी टीनेजर्स की तरह बिहेव करते हैं, उनको 16, 17, 18 साल के लोगों की तरह से पूरी एक लिबर्टी, फ्रीडम चाहिए, किसी को भी गाली दें, बदतमीजी करें, गाली गलौज करें, लड़कियों के बारे में गंदी बातें करें, लोगों की क्रेडिबिलिटी के साथ खेलें, देश की इज्जत के साथ खेलें। ये गलत है, इसके खिलाफ हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, इस विषय पर बातचीत होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने विचार मुझे लिख के भेजें। थैंक यू।